अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? मैं हूं नूर। आज मैं आपको रीजनेबल ब्रशेस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। मेरे पास है आज तीन किस्म के ब्रशेस हैं, एक मैक के हैं, एक मैटो कंपनी है और एक जो है मेरे पास विल्को कंपनी है। ये बाहर की ब्रांड का है। फिलहाल हम इन दो ब्रशेस के ऊपर बात करेंगे। मैंने ये दोनों ब्रशेस ऑनलाइन बाय किए हैं। जिस तरह मैंने जब ये सीखना शुरू किया था सलोन का काम, तो मैं एक्सपेंसिव ब्रशेस बाय करना अच्छा नहीं समझ रही थी कि मैं एक्सपेंसिव ब्रशेस बाय करूं, पता नहीं मुझे कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता है। जब आप मेकअप जो सीखना शुरू करते हैं तो उसमें आपके पास टूल्स होना बहुत ज़रूरी है, जिनके अंदर होते हैं आई शेड किट्स आ जाती हैं, ब्रशेज आ जाते हैं, एवरीथिंग जो जो आपको चाहिए होता है दौरान मेकअप। तो आपके पास ब्रशेस होना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने ये जब ऑनलाइन ब्रशेस बाय किए थे तो मुझे ये इस बैग के अंदर ब्रशेस आए थे। फिलहाल ये मैंने बाहर रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए ब्रशेस को। ये मेरे ख्याल में 12 ब्रशेस थे इसके अंदर मैक के। ये एक डील थी जिसमें से मैंने बाय किए थे ब्रशेस। अब आप बाहर से भी कुछ लेना चाहें, सिंगल फेस पाउडर ले लें तो वो 500, 400, 600 से कम नहीं आता। तो ये मैंने ऑनलाइन बाय किए थे। मेरे पास मैक के 5 पाउडर्स आए थे, लैक्मे की मेरे पास सीसी क्रीम आई थी, मेरे पास ये ब्रशेज आए थे और काफ़ी कुछ चीज़ें आई थी। तो मेरे हमें 3000 की डील थी। तो ये ब्रशेज मैं यूज़ करती हूँ, पर्सनली मैं खुद ये ब्रशेज यूज़ करती हूँ। ये आई शेड के लिए यूज़ करते हैं, ये ब्लश ऑन के लिए यूज़ करते हैं और ये बेस के लिए यूज़ करते हैं। ये आईब्रोज के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी आईब्रोज का है। जिस तरह आप सब जानते हैं कि ब्रशेस किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आप हाइलाइटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ब्रश। ये आप मेकअप करते हैं तो नीचे से डस्ट रिमूव करने, जो मेरे ब्रशेस हैं ये भी मैंने 8 ब्रशेस हैं, ये भी मैंने ऑनलाइन बाय किए थे, भी बहुत अच्छे हैं। ये सारे ब्लेंडिंग आई मेकअप के ब्रशेस हैं। इन ब्रशेस के अंदर आपको फेस पाउडर के लिए भी मिलेगा, बेस के लिए भी मिलेगा, सब चीज़ों के लिए मिलेगा। ये सिर्फ जो है ये मेकअप को, आई मेकअप को ब्लेंड करने के लिए। ये भी आई मेकअप का ब्लेंडर ब्रश है। ये भी सारे ये जो 8 ब्रशेस हैं ये आई मेकअप के लिए ही हैं। आप सिंगल भी बाय कर सकते हैं। इन ब्रशेस के अंदर मेरे कुछ किट्स के ब्रश हैं और कुछ जो है मैंने सिंगल बाजार से बाय किए हुए हैं। ये लाइनर ब्रश भी मैंने गार्नियर का लाइनर लिया था, जेल लाइनर, उसके साथ ही मुझे ब्रश मिला था, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आप लेना चाहते हैं ब्रशेस तो आप स्टार्टिंग करें रीजनेबल से। आप डायरेक्टली इतने महंगे और एक्सपेंसिव ब्रशेस मत लें। अगर आपको यूज़ करना नहीं आता, अगर आप सीख रहे हैं तो महंगे ब्रशेस मत लें। ये आप देख लें कि ये ब्रशेस को यूज़ करते हुए मुझे 3 to 4 ईयर्स होने वाले हैं और ये ब्रशेस मैं यूज़ करती हूँ। ये ब्रश ज़रा ख़राब नहीं हुए इनकी, आप देख सकते हैं ब्रिसल्स बहुत अच्छे हैं, कोई ब्रिसल्स बाहर नहीं निकलता, कुछ भी नहीं है। आप जिस तरह इनको धोएंगे ये वापस साफ सुथरे हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप सीख चुके हैं काम और आप अच्छे महंगे ब्रशेस लेना चाहते हैं तो मैंने लेके रखे हुए, बट मैं क्लाइंट्स के लिए ये यूज़ नहीं करती, ये मैं अपने लिए पर्सनली यूज़ करती हूँ। ये मेरा है ब्रश विल्को कंपनी का है, ये मैंने बाहर से मंगवाया था, ब्रांड का है ये। ये ज़रा एक्सपेंसिव पड़ता है पर ये बहुत अच्छे ब्रश है। जिस तरह ये ब्रश जो है ये स्टिपलिंग ब्रश है, ये लिक्विड फाउंडेशन हाइलाइटिंग पाउडर्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये वाला जो है ये ब्लश है, ब्रश है मेरे पास ब्रॉन्जर के लिए, ब्रशर के लिए बहुत अच्छा है। फिर ये वाला ब्रश जो है मेरे पास ये पाउडर ब्रश है, ये पाउडर ब्रश है, ये वाला फाउंडेशन ब्रश है, जिस तरह ये, ठीक है। ये आईलाइनर ब्रश है, ये आईब्रो ब्रश है। इस कंपनी के काफ़ी सेट हैं। ये स्टिपलिंग ब्रश है और ये स्पंज एप्लीकेटर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिल सकती हैं। आप इस तरह सिंगल बाय करने के बजाय आप इस तरह से ब्रशेस बाय कर सकते हैं। मैक कंपनी बहुत अच्छी है, बॉबी ब्राउन कंपनी बहुत अच्छी है। ये वाले मैट्रो कंपनी के हैं, ये भी मैंने ऑनलाइन बाय किए हैं। आपको आप ऑनलाइन बाय कर लें तब भी आपको सस्ते मिलेंगे, अगर आप बाज़ार से ख़रीदना चाहते हैं तब भी आपको सस्ते मिलेंगे। अब मैं एक अभी कुछ देर पहले जो है एक ब्रश आया था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो
टूथब्रश की तरह वो ब्रश है। अब वो सिंगल ब्रश जब मैंने पूछा तो वो 500 का वो सिंगल ब्रश बता रहा था। उसका सेट आई थिंक सो 5000 कितने का था जब वो नया नया आया था, काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो डायरेक्ट एक्सपेंसिव ब्रशेस की तरफ मत जाएं अगर आपको यूज़ करना नहीं आता, आपको इस्तेमाल करना नहीं आता, तो आप इस तरह के ब्रशेस मत लें जो आपको फ़ायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान दें। आपके ब्रशेज़ भी पैसे भी ज़ाया होंगे और आपको इस्तेमाल करना भी नहीं आता, तो आप इस तरह के ब्रशेज लेके यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेनिफिट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपको मेरी वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।